यहाँ पे करीब 55 के करीब ग्लेशियर्स हैं और 30 के करीब ग्लेशियर लेक्स हैं। और हमने जो विजिट किया था उनमें से जो 5 के करीब ग्लेशियर्स का मेट डिपार्टमेंट ने वो प्रिडिक्शन की थी कि ये जो है वल्नरेबल हैं और किसी भी टाइम ये आउटबर्स्ट हो सकते हैं और वैली में इनकी वजह से वो डिस्ट्रक्शन हो सकती है। भाई इसमें दोबारा हुआ यहाँ पे ग्लाफ इवेंट और यहाँ पे जो हमारा गांव है यहाँ पे 12 के करीब घराने उसमें बिल्कुल ही वो सफाई हस्ती से मिट गए, वो वॉश आउट हुए और यहाँ पे जो मस्जिद थे वो शहीद हुए। यहाँ पे जो रोड था, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, सारा कुछ डैमेज हुआ और बड़े पैमाने पर यहाँ पे तबाही हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक गोलेन वैली ग्लाफ 2 प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है कि खतीर रकम के होते हुए दूसरे वैलीज को चित्राल के अंदर यहाँ पर वो तरजीह दी जा रही है, जैसा कि मडक लश्ट अरकरी में काम हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 प्रीवियस 4 सालों से यहाँ पे ग्लाफ इवेंट्स हो रहे हैं लेकिन फिर भी गोलेन इस लिस्ट में शामिल नहीं है। ये जो नाला है ये गांव के सतह से भी ये उभर चुका है, इसका जो लेवल है वो इतना रेज हो चुका है कि 19-20 फुट के जो प्रोटेक्शन वाल यहाँ पे थे, जो ज़्यादातर यहाँ पे जो सरकार और लोकल कम्युनिटी ने सेल्फ हेल्प बेसिस पे बनाए थे उनसे भी बढ़ चुका है, ऊपर आ चुका है। मेरा नाम हबीबा गुल है और मैं CMW हूँ, यहाँ पे काम कर रही हूँ। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे ख़वातीन है ये बहुत ही मुश्किल में है। यहाँ पे जब सैलाब आ जाता है तो यहाँ पे मर्द हसरात जो है ये कहीं पे भी चढ़ सकते हैं, लेकिन जो ख़वातीन होती है ख़ासकर प्रेगनेंट यहाँ पे ख़वातीन होते हैं बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे कोई ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं है करीब के उनको हॉस्पिटल में वहाँ पे ले जाया जा सके। बदकस्मती से ग्लाफ 2 में प्रोजेक्ट में हमारे इलाका शामिल नहीं है। यहाँ पे ग्लेशियर्स मोर देन 50 ग्लेशियर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इसको इसके बावजूद ग्लाफ 2 में इसको शामिल नहीं किया। ये यहाँ के लोगों की बदकस्मती है और ख़ासकर बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर मुतासर हैं और दबाव का शिकार रहते हैं और इस वजह से रोड बह जाता है, नाले बह जाते हैं और बच्चों का पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और काफ़ी ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं। हमारा मुतालबा ये है कि हुकूमत से कि हमारे लिए सेफ्टी वाल का तामीर करें और जो नाला गांव से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो चुका है इसकी सफाई करें।